नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज मैं आपको देश के एक ऐसे हाईवे के बारे में बताने जा रहा हूं जिस पर लोग देर रात जाने से मना करते हैं। लोग इस हाईवे को देश का सबसे डरावना हाईवे कहते हैं। इस हाईवे के बारे में लोग बहुत सी कहानियां भी सुनाते हैं। आप भी शायद कभी इस हाईवे से गुजरे हों। चलिए आपको बताते हैं देश के तथा कथित सबसे डरावने हाईवे के बारे में। हम जिस हाईवे की बात कर रहे हैं वो दिल्ली जयपुर हाईवे है। इसे देश का सबसे डरावना हाईवे माना जाता है। दिल्ली जयपुर राजमार्ग के भूतिया होने का कारण भानगढ़ किला माना जाता है। जी हां, वही भानगढ़ किला जिसके बारे में लोग बताते हैं कि यह भारत के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने इस हाईवे पर भयावह चीजों का अनुभव किया है। कई लोगों ने एक अज्ञात ताकत से खुद को धक्का पाते हुए महसूस किया है। इस हाईवे पर लोग रात में जाने से मना करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई लोगों को रात में गाड़ी चलाते हुए अक्सर इस हाईवे पर अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं कई बार लोगों को सड़क के किनारे कोई खड़ा नजर आता है। दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH-48 करीब 195.1 किलोमीटर लंबा है। ये 8 लेन वाला राजमार्ग है। यह गुरुग्राम में खेरकी टोल प्लाजा से शुरू होता है और जयपुर में चंदबाजी के पास खत्म होता है। यह हाईवे मानेसर, पटौदी, बावल, नंगल चौधरी, भिवाड़ी, बहरोड, कोटपुतली, शाहपुरा और चोमू से गुजरता है। इस हाईवे को हरियाणा और राजस्थान के 7 जिलों में 11 तहसीलों के 423 गांवों से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में लोगों की आपबीती बताई गई है। इसमें ज्यादातर लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस हाईवे पर रात में सफर के दौरान एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस की है। कई लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार एहसास हुआ कि सड़क पर उनकी गाड़ी के साथ कोई चल रहा है। वहीं कई लोगों ने तो सफेद साड़ी पहने किसी औरत के हाईवे के किनारे खड़े देखे जाने की बात भी बताई। कई लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर अचानक रात में गाड़ी काफी भारी चलने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई गाड़ी को रोक रहा हो। कई लोगों का कहना है कि इस हाईवे पर रात में भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। वहीं कई बार गाड़ी खराब भी हो जाती है। लोग बताते हैं कि इस हाईवे पर ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कई बार तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा है। बताया जाता है कि अगर आपको देर रात इस हाईवे पर जाना हो तो कोशिश करें कि अकेले ना जाएं। वहीं इस हाईवे पर गाड़ी कभी भी ना रोकें। लोगों का यह भी कहना है कि इस हाईवे पर एक्सीडेंट भी खूब होते हैं। लोगों के मुताबिक जब से यह हाईवे बना है इस पर दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती गई है। इस हाईवे पर भारी वाहन भी खूब चलते हैं। रात में अक्सर लोग इस हाईवे पर काफी तेज गाड़ी चलाते हैं। इससे भी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी रखना भी बेहद जरूरी है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। और हां, लोगों की माने तो अगर इस हाईवे पर जाना हो तो कोशिश करें कि अंधेरा होने से पहले ही सफर पूरा कर लें।